फ्रेंड्स, प्रोलिक स्टेज पर मैं संगीता प्रतिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चरक बनाना सीखेंगे। चरक जो कि कॉटन की साड़ी और बंगाली साड़ी वगैरह पे लगाई जाती है, तो ये कैसे बनती है यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू। चरक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच गोंद। ये खाने वाली गोंद है जिससे हम लड्डू बनाते हैं। इसको मैंने पीस लिया है, आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। इसे भगोने में डालेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, कॉर्न स्टार्च जिसे कहते हैं, मतलब 1:2 का रेशो लेना है। 1 चम्मच आप गोंद लेंगे, 2 चम्मच आप इसको, 1 चम्मच गोंद लेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 जग पानी, 1 लीटर के आसपास मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। इसे हम पकाएंगे। इसे हमने लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। लगातार चलाते हुए हम इसे उबाल लेंगे। ये देखिए ये उबलने वाला है। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगे, ये उबलने वाला है। हमने 1 भाग खाने वाली गोंद ली है और 2 भाग कॉर्न स्टार्च लिया है। कॉर्न स्टार्च को हम हरा रोट भी कहते हैं। ये उबाले आ गए हैं इसमें, अब हम इसे बंद कर देंगे। ये तैयार हो गया है, अब हम इसे छान लेंगे। छानने के लिए आप एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर छलनी रखेंगे, छलनी के ऊपर आप कपड़ा रखेंगे और कपड़े के अंदर आप इसे छान देंगे। जो भी डस्ट गंदगी वगैरह होगी वो सब इसमें रह जाएगी। ये छन गया है पूरा, अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये चरक हम ठंडी करने के बाद साड़ी को ड्राई क्लीन करके देन आप चरक लगाएंगे। कुछ साड़ीज पे हमें हल्की चरक चाहिए होती है, उस कंडीशन में आप इसको पानी को डबल कर देंगे, यानी कि आप 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे जिस बर्तन में आपने चरक लगानी है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत हैवी चरक नहीं चाहिए। मैंने ये साड़ी को ड्राई क्लीन कर लिया है। ड्राई क्लीन करना मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हम इसे चरक लगाएंगे। साड़ी को ड्राई क्लीन करना आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से करके इसे निचोड़ना नहीं है, इस तरीके से आप पकड़ के 2 मिनट रुकेगा ताकि पानी सारा निकल जाए, देन हम इसे सुखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको एक साइड से इस तरीके से मैंने तार पे चिमटियां लगा दी हैं और दूसरी तार पे आप चिमटियां लगा के, या तो आप इसे ऐसे सुखाएं या 2 व्यक्ति आपस में पकड़ के और इसको सुखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जिस साड़ी को हमने ड्राई क्लीन करके देन चरक लगाया था ये सूख गई है। इसे प्रेस कर लिया है और इसका कितना अच्छा इफेक्ट आया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम वूलन क्लॉथ्स की ड्राई क्लीन घर पर कैसे की जा सकती है ये देखेंगे। थैंक यू।